हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवदीप किचन। और आज फिर लाई हूँ मैं एक न्यू रेसिपी, पंजाबी चिकन करी, वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए चलते हैं, बनाती हूँ पंजाबी चिकन करी। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हाफ के जी चिकन को वॉश कर ली हूँ और इसमें मैं एक कप दही डाल दी हूँ, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक और इसे मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें मैं सरसों तेल 2 से 3 चम्मच डाल लूँगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो पंजाबी चिकन करी को पहले हम मैरिनेट करते हैं। तो ये हमारा मैरिनेशन कंप्लीट हो गया और इसको मैं हाफ एन आवर के लिए रख दूंगी। तो इधर हमारा कढ़ाई गरम हो चुका है और इसे मैं तेल डाल दी। तेल गरम होते ही मैं 2 तेज़पत्ता, जीरा, खड़ा मसाला में इलायची, लौंग और काली मिर्च डाली हूँ और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद मैंने 2 बड़ा प्याज लिया है और उसको काट ली हूँ। मैंने रफली चॉप किया है क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है, तो ये हमें ज़्यादा नहीं कुक करना है। फिर इसमें मैं 2 लाल मिर्च डाल दूंगी। फिर इसमें मैं लहसुन और अदरक कटा हुआ डाल दूंगी और फिर इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करूंगी। तो जैसे ही ये हमारा कुक हो जाएगा, फिर इसे मैं, अब ये हमारा कुक हो चुका है और मैं इसे निकाल लूंगी एक प्लेट में। तो देखिए, इसको अब हमें ठंडा करना है। तो इसे मैं ठंडा कर ली हूँ और मिक्सर जार में डाल दी हूँ और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। तो ये हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब मैं उसी कढ़ाई में तेल डाल दूंगी। फिर जो मैंने मसाला को ग्राइंड किया है उसको मैं कुक करूंगी। तो इस तरह से हमें चलाते रहना है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा प्याज जो है ग्रेवी, वो कुक हो चुका है। अब इसमें मैं 2 टमाटर का प्यूरी डाल दी हूँ और फिर इसे भी हमें 2 से 3 मिनट कुक करना है। तो ये प्याज का जो मसाला वो फ्राई हो गया। अब इसमें मैं 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल के और इस मसाले को मैं 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी। तो ये मसाला हमारा कुक हो चुका है। अब इसमें मैं जो मैरिनेशन के लिए चिकन रखी थी वो डाल दूँगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि सारे मसाले हमारे चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए, हमें इस तरह से चलाते रहना है। अब मैं इसको कवर कर दी हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये चिकन जो है हमारा फ्राई हो रहा है। तो ये प्रोसेस हमें 2 से 3 बार करना है, ऐसे ढक ढक के पकाना है। तो देखिए, साइड से इस तरह से मैं चला दी हूँ और साइड से आप देख रहे हैं कि तेल भी छोड़ने लगा है और कलर भी आ गया है चिकन का। तो अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दूँगी और फिर इसे अच्छे से सारे मसाले जो साइड में लगे हुए हैं उसको अच्छे से निकाल लेना है और पानी में मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो फिर इसमें अब बॉईल आ रहा है। जैसे ही इसमें बॉईल आ जाए फिर इसको मैं कवर कर दूंगी और इस तरह से हमें कवर करके 2 से 3 बार चेक करते रहना है कि चिकन हमारा गला है कि नहीं। बट पंजाबी चिकन दोस्तों क्या होता है कि बहुत जल्दी बनता है। तो इसमें मैं अब 1 चम्मच गरम मसाला डाल दूंगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो इसे मैं अब फिर से कवर कर दूंगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कलर कितना अच्छा आया है। जैसे ढाबा में हम लोग देखते हैं कि चिकन का कलर एकदम बिल्कुल वैसा कलर आया है। अब इसमें मैं कसूरी मेथी को रोस्ट किया हुआ डाल दी हूँ। इससे जो चिकन करी है का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, तो इसे आप डालना ना भूलें। फिर इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने मैरिनेशन के टाइम में दिया था क्योंकि नमक हम लोग कम खाते हैं। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तब इसे मैं कवर कर दूंगी और इसे 1 मिनट के लिए कुक करूंगी। तो देखिए, हमारा चिकन करी रेडी हो गया है और आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा कलर आया है। और अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे थोड़ा देर ठंडा होने दूंगी। तो देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल पंजाबी चिकन करी। तो आप भी इस तरह से बनाइए, इसे बनाना बहुत ही ईजी है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।